नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी वर्मा। मेरा एमडी स्वस्थ एवं योग विषय में है, जो कि आयुर्वेद की एक ब्रांच है। आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनरल्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि मिनरल्स आखिर बॉडी में करते क्या हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल कि जो वाटर है, एयर है, सभी जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। और जो मिनरल का मुख्य सोर्स जो होता है वो हमको पानी से और फूड से ही मिलता है। तो बेसिकली पानी ही जो है वो मेन सोर्स है। अब ऐसे देखा जाए तो जो पॉल्यूशन वाला वातावरण है, इसमें जो हमको पानी मिल रहा है उसको हम सीधे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, कंटामिनेशन है, उसको दूर करने के लिए हमको प्यूरिफाइड वाटर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम काफ़ी सारी प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जो वाटर है वो हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में तो मिल जाता है, डिस्टिल्ड वाटर हमको मिलेगा, लेकिन इनके साथ ही जो मिनरल्स थे वो भी तो नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी कमी आ जाती है उनमें, जो कि बॉडी की जो रेगुलर फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब इस तरह का वाटर अब हम अगर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये एक डिस्टिल्ड वाटर है तो अपनी नेचुरल स्टेट में तो है नहीं, अननेचुरल स्टेट में है, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने नेचुरल स्टेट में आ सके। तो जैसे ही हम इस तरह का जो प्यूरिफाइड वाटर है वो जब हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी में भी आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें से अधिकतर पार्ट 70-80% पार्ट जो है वो वाटर से ही बना हुआ है। तो इन सेल्स में भी वाटर होता है। अब क्या होता है कि जब ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम अननेचुरल स्टेट का वाटर यूज करते हैं, तो जो सेल्स का वाटर है उसमें जो मिनरल होते हैं, उनमें से जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हमने वाटर लिया उसमें मिनरल ट्रांसफर होने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर हमने लिया था वो अपनी नेचुरल स्टेट में तो आ जाता है, लेकिन जो सेल्स में मिनरल्स थे वो भी उस वाटर में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उन मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये तो हो गई नॉर्मल फंक्शनिंग, लेकिन आखिर ये मिनरल्स या खनिज तत्व बॉडी में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं ये भी जानते हैं। तो जो रेगुलर फंक्शनिंग है बॉडी की उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जो ट्रेस मिनरल्स या आयरन मिनरल्स होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को जनरेट भी करते हैं और कंडक्ट करने का काम भी करते हैं। तो जिससे कि हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं, चाहे वो हार्ट की हो यानी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है, या ब्रेन की हो, ब्रेन की मसल्स की फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ ही जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, विटामिंस लेते हैं, उनके पाचन में भी हेल्प करते हैं मिनरल्स, और साथ ही जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे बचाने का काम भी करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना, एज के साथ साथ बहुत सारे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजनरेटिव माने क्या, कि जिनको हम फिर से अपनी स्थिति में नहीं ला सकते हैं या वापस ग्रोथ वाली स्टेट में नहीं ला सकते, यानी लॉस होता चला जाता है। लेकिन जब ये एजिंग की प्रोसेस स्लो होती है तो क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक जी पाएंगे, एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे ना, स्वस्थ रूप में जी पाएंगे। तो इसी के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं, अगर पर्याप्त मात्रा में बॉडी में उपस्थित हैं। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि मिनरल्स क्यों जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। और एक चीज हम ये भी जान सकते हैं, जो हमारा वाटर है उसमें से मिनरल्स की कमी हो चुकी है, तो अब इनका सॉल्यूशन क्या। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक प्रोडक्ट आया है रिव्यू के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब इसे मैंने यूज करके देखा तो मुझे तो काफी सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कीवा CTMD मिनरल ड्रॉप्स के बारे में। तो ये है कीवा CTMD मिनरल ड्रॉप्स। इसमें 72 मिनरल्स हैं।
अब जो काम करते हैं ये मिनरल्स, एक तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये प्योर एंड नेचुरल है और लेबोरेटरी टेस्टेड है, एक वीगन प्रोडक्ट है, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट। और इसके साथ ही जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, मेटाबॉलिज्म है, ये प्रॉपर रूप में इसलिए हो पाते हैं क्योंकि ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया हो। तो जब हम इसे अपने फूड में या वाटर में यूज करते हैं तो इससे हमें जो मिनरल्स से बेनिफिट होने चाहिए थे वो सारे बेनिफिट हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, तो ये बहुत ही इजी टू कंज्यूम है। सिर्फ 250 ml डिस्टिल्ड वाटर जैसे हमने लिया, उसमें 5 to 10 drops अगर हमने ऐड कर दिया, तो उसी से हमें जो मिनरल्स की जो डेली नीड है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसको एक डेमो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि इस डेमो में बताया गया है। CTMD का डेमो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। CTMD मीन कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। अब इसका डेमो जो है, तो ये इक्विपमेंट हमारे पास में सभी के पास मौजूद है। यहाँ पे जो बीकर है और ये पानी है, कुछ नहीं करना है। पानी को हम यहाँ पे इस बीकर में जैसे ही हम इसको डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये पहले हम चेक कर लेंगे कि जो बल्ब है वो चल रहा है, राइट, यानी कि बल्ब चल रहा है। जैसे ही हम इसको इनके बीच में डालेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। CTMD ड्रॉप्स की जैसे ही बूंदे आप इसके अंदर डालते रहेंगे, अभी ये नॉर्मल पानी है, जैसे ही आप इसके अंदर जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पर डालेंगे तो जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने CTMD को जो वहाँ पे डाला है और यहाँ पे जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया है। इस डेमो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कीवा CTMD यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेस मिनरल ड्रॉप्स हैं, ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड मेरी जो डेली नीड्स है मिनरल्स की उससे फुलफिल हो जा रही है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू कीवा, थैंक यू सो मच।